YouTube चैनल। और गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको एक व्हाट्सएप बहुत ही जबरदस्त सिक्योरिटी के बारे में बताने वाला हूं। तो गाइस इस वीडियो की स्किप ना कीजिएगा, देखिएगा। गाइस मैं बताने वाला हूं कुछ ऐसा कि गाइस अगर इस सिक्योरिटी को आपने जान लिया तो आपको व्हाट्सएप कभी एक नॉर्मल हैकर कभी नहीं हैक कर सकता है। और गाइस अभी तक आपने अगर नहीं जाना है तो मैं बता दूँ आपको, एक नॉर्मल हैकर जो स्क्रिप्ट किड जिसे बोलते हैं वो भी आपका व्हाट्सएप को हैक कर सकता है गाइज, आप बहुत ही अनसिक्योर है। तो गाइज मैं बता दूं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो गाइज उसके लिए आपको, गाइज आखिर ये करते क्या हैं लोग, गाइज अगर अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलता रहे। तो गाइज के लिए आपको मैं बता दूँ, जो हैकर्स यूज़ करते हैं टेक्निक, उस टेक्निक का नाम गाइज कॉल फॉरवर्डिंग। गाइज मैं बता दूँ, कॉल फॉरवर्डिंग का यूज़ करके आप व्हाट्सएप कैसे हैक हो सकता है उसके बारे में। गाइस ये हैकर्स क्या करते हैं कि जैसे आपका मोबाइल लिए, वो क्या करेंगे कि आपके जितने भी कॉल्स हैं, कॉल्स वो आपको अपने नंबर पे फॉरवर्ड कर लेते हैं। और कॉल फॉरवर्ड करने के बाद उसके लिए एक कोड यूज़ करते हैं। तो गाइस वो कोड है **67, इस तरह के बहुत सारे कोड आते हैं स्टार, और जो भी नंबर पर वो फॉरवर्ड करना चाहते हैं। सपोज मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ इस तरीके से #, और जस्ट कॉल कर देते हैं। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, कॉल फॉरवर्डिंग व्हेन वीजी रजिस्ट्रेशन वाज सक्सेसफुली। तो गाइज जैसे ही ये कॉल फॉरवर्डिंग सिस्टम कर देते हैं तो क्या करते हैं कि वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे आपके नंबर से रजिस्ट्रेशन करते हैं। और जैसे आप गाइज आपने व्हाट्सएप रजिस्टर किया होगा तो आपने देखा होगा कि जब OTP आता है तो OTP आने के बाद आपने नहीं अगर क्लिक करते होंगे तो दूसरे साथ में कॉल मी का ऑप्शन देता है। तो गाइस वो जैसे ही वो कॉल मी पे क्लिक कर देते हैं, कॉल मी क्लिक करने के वो आपके नंबर पे जो कॉल आने चाहिए वो उनके नंबर पे चले जाते हैं, और वहाँ से OTP वो लिसन करके वो आपका व्हाट्सएप रजिस्टर कर लें। तो इस तरीके से आपको व्हाट्सएप पूरी तरह के उनके कंट्रोल में हो सकता है। तो गाइस इससे सिक्योर होने के लिए, तो गाइस मैं बता दूँ आपको, आपको व्हाट्सएप ओपन करना है। तो गाइस इसको डीएक्टिवेट करने के लिए जो कोड है वो #00002#, और बस डायल कर देना है। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे आ जाएगा ऑल कॉल फॉरवर्डिंग और इरेज सक्सेसफुली। तो गाइस इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं, तो आपको सिक्योरिटी लगाना है उस पर, मैं आपको व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। व्हाट्सएप ओपन करने का गाइस आपको ये कॉर्नर जो 3 डॉटेड पे है उस पर क्लिक करना है। उसके बाद सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अकाउंट्स पे जाना है। अकाउंट्स में जाने के बाद देन आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे जाना और इसको इनेबल कर देना है। और इस पर आपको पर्सनली जो भी कोड है वो कोड डालना है। सपोज मैं डाल देता हूँ इस तरीके से भी आप, सॉरी मैच नहीं करेगा, इस तरीके से आपको, और फिर ये ईमेल मांगेगा तो आपको ईमेल भी डाल देना है कि आप कभी भी इसको ये कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, तरीके से इरेज डिसेबल कर सकते हैं, सारा ऑप्शन दे सकते हैं, और इसको सेव कर देना है। तो गाइस देख सकते हैं हमारा डन हो चुका। अभी इससे यहाँ से चेंज पिन भी कर सकते हैं, दोबारा चेंज भी कर सकते हैं, चेंज ईमेल एड्रेस भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो गाइस मैं इसके बारे में मैं बता दूँ कि आप अगर इसको इनेबल कर देते हैं तो क्या, सपोज OTP उनके पास चला गया तो गाइस एक बार OTP चला जाएगा, वो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे लेकिन वो व्हाट्सएप को आपका यूज़ नहीं कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक 2 वेरिफिकेशन करेंगे, यहाँ 2 स्टेप वेरिफिकेशन जब इनेबल कर देंगे आप, तो इस तरीके से वो आपके व्हाट्सएप को यूज़ नहीं कर सकते हैं। गाइस अगर इस टेक्निक को आप यूज़ करते हैं तो मैं एक अच्छा वेल नॉलेजेबल हैकर जिसको ब्लैक हैट भी बोलते हैं वो भी नहीं कर पाएगा इस तरीके से जल्दी आपको व्हाट्सएप को हैक। तो गाइस अगर एक अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में कमेंट लिखकर जो भी आपको क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। और कमेंट में कमेंट लिखकर जो भी आपको क्वेश्चन है आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय नेक्स्ट।